गुड मॉर्निंग ग्रेड 9। मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 5.4। 5.4 हमारी इट्स ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम। 8 क्वेश्चन हैं आपके। ये जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक की एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, रिमेनिंग 5 आपने खुद करने हैं। 7 और 8 थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारे पास फैक्टर थ्योरम में मेन बात ये आपको पता होना चाहिए कि ये जैसे पॉलिनोमियल है, आपको पता है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी कि हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है वेरिएबल की, क्यूब है, 3 है। तो इट मींस दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और याद रखें कि जो डिग्री होगी इक्वेशन ये आपके पास पॉलिनोमियल की, वो आपको बताएगी कि आपके कितने फैक्टर्स बनेंगे। जैसे कि यहाँ 3 है हाईएस्ट डिग्री, तो हम अब आप याद रख लें कि अब आपके जो आपको 3 फैक्टर्स ढूंढने हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अगेन इसमें हमारे पास एक बात ये देखने वाली है कि जो कांस्टेंट टर्म है पी, हमने इसको देखना होता है, और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसका जो वेरिएबल होता है, सॉरी कोफिशिएंट होता है, लीडिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट जो होता है, ठीक है, वो हमने लेट करना होता है क्यू। ये पी और क्यू हमने बेसिकली देखने होते हैं कि इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब यहाँ क्यू तो बेसिकली 1 ही है, तो 1 के फैक्टर का मतलब ये है कि 1 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो 1 का फैक्टर क्या होगा, प्लस माइनस 1। और अगर हम बात करें क्यू का, ये पी का, तो ये 2 है, तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो प्लस माइनस 1 और एक प्लस माइनस 2, यानी कि एक्चुअली ये 4 फैक्टर्स हैं, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। ये हमें कैसे पता चलता है, यानी कि 2 के जिसके टेबल में आता है। तो अब हमने क्या करना है कि 1 और 1 तो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको ही एक दफ़ा ले लेते हैं। इन 4 ये फैक्टर्स हैं जिनको हमने टेस्ट करना है कि ये इनमें से कोई से 3 जो है ना फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि हम वेरीफाई करेंगे, यानी जिसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ फैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 आर दिस एंड दिस। ये भी मैंने आपको बताया हमने कैसे फाइंड आउट करने, ठीक है, ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब हमने 1 by 1 करके ये चारों चेक करने, तब तक चेक करने जब तक हमें 3 नहीं मिल जाते। अगर हमें फर्स्ट 3 से ही हमारे 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तो हम वहीं पे अपने क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे और बता देंगे कि इसके 3 जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। हम प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 2 से चेक करेंगे। प्लस 1 आप पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो हमारे पास 0 आ गया है, ठीक है, तो हम बता देंगे कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है कि x इज इक्वल टू 1 है ना, ये जो हमने यहाँ रखा है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर है। पुट आपने पॉजिटिव किया, बट इस रूल के तहत x माइनस 1 इज अ फैक्टर। सेम इन लाइन्स पर अब हम चेक करेंगे माइनस 1 पर, माइनस 1 पर भी 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। अब हम 2 चेक करेंगे, 2 पे भी 0 आ गया, यानी फर्स्ट 3 जो हमने पिक किए तीनों पे 0 आ गया। अगर फॉर एग्जांपल 2 पे नहीं आता तो हम माइनस 2 पे करते, डेफिनेटली उसमें आ जाना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। तो हमें पता क्या चला कि 10 ये जो पॉलिनोमियल था हमारा, ये इन 3 फैक्टर्स के इक्वल है, ठीक है। इन्हीं लाइन्स पर आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 5, 6, ये 5 क्वेश्चंस करने हैं। जो रिमेनिंग फिर होंगे वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।